अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 5 सॉल्व करेंगे, जो बेसिकली 10 क्लास कंप्यूटर साइंस की आईटी सीरीज की किताब है। प्रोग्राम इज कि आपके पास एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि आपको 15% डिस्काउंट करती है ईच आइटम के ऊपर। मीन आपने जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं आपको हर आइटम के ऊपर सेल लगी हुई है और उस सेल पे आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है। सो आपके पास क्या है कि ऑलरेडी बायस, फॉर एग्जांपल कि आप ही हैं और आपने 5 शर्ट्स खरीदी हैं उस ब्रांड से, और जब आपने ब्रांड को 5 शर्ट्स खरीदी हैं तो आपको टोटल बिल के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा कितना, जो कि वो 15% बता चुके हैं। और उन पांचों शर्ट्स की प्राइस भी आपने यूज़र से नहीं लेनी, वो पांचों शर्ट की प्राइस भी आपको प्रोग्राम में बता दी गई है। सो लेट्स बिगिन। डेफिनेटली हम सबसे पहले लिखते होते हैं हेडर फाइल विच इज studio.h। उसके बाद हमने क्या लिख लेना है, वाइड मेन। हमने स्टार्ट कर लिया मेन फंक्शन, और जैसे ही हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गई, डेलिमीटर्स। डेलिमीटर्स के बाद सबसे पहले हम किसकी प्राइस लेंगे, शर्ट 1 की, विच इज़ 423। सो ये 5 वेरिएबल्स हमें लेने हैं। सो मैं इन वेरिएबल्स को S1, S2, S3, S4 और S5 के नाम से एक ही लाइन में ले रही हूँ, ठीक है। ये वो 5 वेरिएबल्स हैं जिनकी शर्ट की प्राइस आपको ऑलरेडी ऊपर गिवन है। और फिर आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपने एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करनी है और डिस्काउंट कैलकुलेट करनी है। एक तो आपने प्राइस कैलकुलेट करना है, सो प्राइस को भी आप इंटीजर में ले लें, और दूसरा आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, और डिस्काउंट को इट्स बेटर कि आप फ्लोट में ले लें क्योंकि 15% है, और 15% मीन 15/100, और जब कोई चीज़ डिवाइड में आ जाती है तो उसका आंसर पॉइंट में आना स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो पांचों वैल्यूज़ हैं ये हमें पता हैं, तो हमने इनको मेंशन कर लिया। S1 इज इक्वल्स टू 423, सिंपली S2 इक्वल्स टू 320, वी नो डैट। S3 इक्वल्स टू 270, ये हमें प्रोग्राम में डेटा गिवन है, 680, और X5 इज इक्वल्स टू 520। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट, आपने सबसे पहले प्राइस कैलकुलेट करनी है, और प्राइस आपके पास क्या होगी, प्राइस आपके पास ये पांचों वेरिएबल्स का सम होगा, यानी आपका टोटल बिल कितना बनेगा कि अगर आप इन पांचों को सम करेंगे तो टोटल बिल इतना बने। लेकिन ये पेएबल बिल नहीं है। पेएबल बिल का मतलब है कि ये वो बिल नहीं है जो कि आपने पे करना है। पे तो आपने वो करना है जो कि आपको डिस्काउंट से निकलेगा, और डिस्काउंट के बाद आपका बिल बेसिकली निकलने के लिए एक यहाँ पे आपने फ्लोर डिस्काउंट ले लिया, और एक आप यहाँ पे वेरिएबल ले लें फाइनल बिल के नाम से। अच्छा, अब सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करें। डिस्काउंट का फार्मूला बिल्कुल परसेंटेज की तरह होता है। सो डिस्काउंट इक्वल्स टू, किस पर आपने डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है, जो आपका एक्चुअली बिल है उसका 15%। सो एक्चुअली बिल हमारा किधर है, प्राइस के अंदर। सो प्राइस का 15% का मतलब होता है प्राइस, उसको हम किस से डिवाइड कर देंगे, 100 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं, और आप इसको सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100, क्योंकि प्राइस ऑफ 15% का मतलब ये होता है। सो ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, इट अप टू यू कि आप इन दोनों को किस तरह करें। ज़्यादा बेटर है कि आप सेकंड वन ही लगा लें। सो यहाँ से आपके पास डिस्काउंट निकल आएगा। अब प्राइस में आपके पास बिल पड़ा है, और डिस्काउंट में आपके पास डिस्काउंट पड़ा है। अब आपने फाइनल बिल कैलकुलेट करना है। सो डेफिनेटली फाइनल बिल इक्वल्स टू जो आपका एक्चुअल प्राइस थी वो, उसमें से आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और एंड पे क्या लग जाएगा, सेमी कॉलन। और जैसे ही आपके पास सेमी कॉलन लगेगा तो अब आप सिंपली अपने बिल को क्या कर लें, प्रिंट कर लें। तो आप यहाँ पे करेंगे योर फाइनल बिल इज, और नेक्स्ट आपके पास फाइनल बिल इज, फाइनल बिल की आप यहाँ पे टाइप देख लें क्या है, फ्लोट, सो परसेंटेज एफ इन्वर्टेड कॉमर्स बंद, और यहाँ पे फाइनल बिल जो है उसका वेरिएबल प्रिंट आउट हो जाएगा सेमी कॉलन, और यहाँ पे डेलिमीटर्स क्या हो जाएंगे।
सो डैट्स हाउ आपके पास आपका प्रोग्राम हो जाएगा। अब लेट्स सपोज अगर यूज़र ने आपके पास जो जो ये जो पांचों को सम करने से जो आपके पास प्राइस हैं वो आपके पास कितनी है 2213 लेट्स सपोज, तो उसके ऊपर जो आपका 15% डिस्काउंट है वो फार्मूले के अकॉर्डिंग 331 आता है, और जो आपके पास फाइनल बिल होगा वो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो आपके पास 1881 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये वाला प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा।